प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक लेसन नंबर 3, अवर नेशनल वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। शुरू करता हूं। द पिकॉक, पिकॉक मीन होता है मोर, इज अवर नेशनल बर्ड। नेशनल मीन राष्ट्रीय, नेशनल मीन राष्ट्रीय, बर्ड मीन पक्षी। द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट लाइन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ब्यूटीफुल मीन सुंदर, बर्ड मीन पक्षी, वेरी मीन बहुत। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। इट हैज वेरी लॉन्ग फेदर्स, फेदर्स मीन पंख, फेदर्स मीन पंख। इट हैज वेरी लॉन्ग फेदर्स, इसके बहुत लंबे पंख हैं या इसके बहुत लंबे पंख होते हैं। When a peacock is happy, जब एक मोर खुश होता है, यह स्प्रीड्स, इट्स मीन अपना, अपनी अपने, विंग्स मीन पंख या पंखों, एंड डांस, डांस मीन नाचना, डांस मीन नाचना। व्हेन ए पीकॉक इज हैप्पी, इट स्प्रीड्स इट्स विंग्स एंड डांस, जब मोर खुश होता है तो वह अपने पंख फैलाता है और नाचता है। इट हैज ए टेल, हैज मीन होती है पास है, रखता है, कई जगह उपयोग किया जाता है। इट हैज ए टेल, टेल मीन पूंछ या दुम। इट हैज ए टेल, इसके एक पूंछ है। इट इज हिडन, हिडन मीन अदृश्य हो जाता है, छुप जाता है। अंडर मीन नीचे, इट्स मीन अपने। लॉन्ग फेदर्स, लंबे पंखों। इट इज हिडन अंडर इट्स लॉन्ग फेदर्स, यह अपने लंबे पंखों के नीचे अदृश्य हो जाता है या छुप जाता। द पिकॉक ईट्स, ईट्स मीन खाता है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े, वर्म्स, कृमि, सीड्स, बीज, प्लांट्स, वनस्पतियां, फ्रूट, फल,
and snakes or sharks. The peacock eats insects, worms, seeds, plants, fruit, and snakes. More कीड़े मकोड़े कृमि बीज वनस्पतियां फल और सांप खाता है. The peacock is a male bird. Male means nur. Male means nur. Female means मादा होता है. इसका विपरीत शब्द. The peacock is a male bird. मोर नर पक्षी है. इट्स इसकी फीमेल में मादा. इस कलर ए पी है. पीहन में मोर ने. इट्स फीमेल इस कलर ए पी है. इसकी मादा को मोरनी कहा जाता है. ए पी है इस नॉट ए ब्यूटीफुल इज ए पीकॉक. मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती है. नेक्स्ट लाइन. ए पीकॉक कैन नॉट फ्लाई. कैन नॉट फ्लाई कैन मीन सकता. फ्लाई मीन उड़. नॉट मीन नहीं. टू हाई. हाई मीन ऊंचा. Because क्योंकि its body is heavy. Heavy means भारी. Body means शरीर. A peacock cannot fly too high because its body is heavy. मोर ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है क्योंकि इसका शरीर भारी होता है. Is found. Found में पाया जाता है. Everywhere हर जगह. Everywhere में हर जगह है. In India. India में भारत. It is found everywhere in India. यह भारत में हर जगह पाया जाता है. आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सकें. लाइक करें. धन्यवाद.